लाइट जला दे। अरे हम दिख रहे हैं ना, आंख मेरा अब सही हो गया, अब लाइट जला देते हैं। गुड मॉर्निंग, कश्मीर का इतिहास हम आपको बता रहे थे। कश्मीर का इतिहास भी? ये आज का कश्मीर है, उस समय का तो अलग था क्योंकि राजवंश कहाँ कहाँ थे सब। तो कश्मीर के इतिहास में हमने आपको तीन वंश के बारे में बताया था, याद कीजिए। कश्मीर के इतिहास के बारे में हमने आपको तीन वंश बताए थे, कौन कौन से वो वंश थे, कौन कौन से वो वंश थे कश्मीर के बारे में। पहला तो था कारकेट वंश, उत्पल वंश, उत्पल वंश को खत्म कर दिया, लोहार वंश। चलिए, कारकेट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। लोहार वंश, इसके बाद आएगा राजपूत काल। लोहार वंश, इसके बाद आता है हमारा राजपूत काल। स्टार्ट करते हैं हम लोग कारकेट वंश से। कारकेट वंश, इस वंश में सबसे प्रसिद्ध था, सबसे पहले यही वंश आया था, कारकेट वंश। कश्मीर में पहाड़ी क्षेत्र था कश्मीर, यहाँ पर कारकेट वंश। किसी को दिक्कत? कारकेट वंश कश्मीर के क्षेत्र में था। दुर्लभ वर्धन इसके ना संस्थापक थे, और दुर्लभ वर्धन जो इसके संस्थापक थे, इसी समय ह्वेनसांग भी आया था। आपको भी पता होगा कि ह्वेनसांग जो था वो भारत में आया था हर्षवर्धन के काल में। ह्वेनसांग किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में। और शिक्षा एवं शिक्षक यानी स्टूडेंट और टीचर दोनों एक साथ रहा था हर्षवर्धन। तो इसके संस्थापक थे दुर्लभ वर्धन, पहले शासक दुर्लभ वर्धन, दुर्लभ वर्धन। इनके काल में कौन आया भैया? ह्वेनसांग, ह्वेनसांग, ह्वेनसांग इनके शासन काल में आया था। नीति का पंडित, रात्रियों का राजकुमार, ये किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। कितने लोग बता सकते हैं ह्वेनसांग की लिखी हुई यात्रा विवरण कहाँ का नाम क्या है? ह्वेनसांग तो हर्षवर्धन के काल में आया था। इसे प्रयाग में होने वाले महामोक्ष परिषद का क्या बना दिया गया था? अध्यक्ष बना दिया गया था। एक ऐसा भी कहा जाता है कि इसी के समय में पांचवी बौद्ध संगीति, हालांकि हर्षवर्धन के समय में तो बौद्ध संगीति हुई नहीं, लेकिन उसमें बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया, जिसकी तुलना पांचवी बौद्ध संगीति से की गई। ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम बताइए। हाँ, सी क्यू की, वेरी गुड। ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम सी क्यू की, ये अध्ययन एवं अध्यापन दोनों का काम किया था। इस वंश का अगला शासक था तारापिंड, इस वंश का अगला शासक था तारापिंड, तारापिंड इस वंश का था। ये बहुत ही क्रूर शासक था। इतिहास में दो क्रूर शासक मिलेंगे सब, याद रखिएगा। एक तारापिंड के बारे में स्पेशली पूछता है, सबसे क्रूर शासक कौन था? तारापिंड। दूसरा, जब हम आपको बहमनी साम्राज्य पढ़ाएंगे ना, तो वहां अलाउद्दीन हुमायूं के बारे में आपको बताएंगे। तो एक बहमनी साम्राज्य में आएगा अलाउद्दीन हुमायूं, उसको भी बहुत क्रूर शासक बोला जाता है। तो दो ऐसे शासक हैं जिन्हें काफी क्रूरता के लिए जाना जाता है। पागल था सभी, सब कब किसको मार देगा से किसी को नहीं पता। तो दो क्रूर शासक याद रखिएगा, एक तारापिंड और एक अभी आपको पढ़ा नहीं बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य बताएंगे तो उसमें आपको बता देंगे, ठीक है सर। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी, एप्लीकेशन पे वर्क हो रहा है, एप्लीकेशन पे थोड़ा सा अपडेट लाया जा रहा है ना, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को मैनेज करने, मतलब लाइव थोड़ा सा डिस्टर्ब आ गया स्पीड को भी लेके। तो जब तक वो वर्क चल रहा होता है तो कुछ चीजें रुक जाती हैं। अब एक दो दिन में वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा, फिर से सही हो जाएगा। जब भी कैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो गियर लगाने से पहले क्लच ले लेते हैं, तो वैसे भी एप्लीकेशन को क्लच पे लिया गया, ठीक है। एप्लीकेशन को क्लच पे लिया गया ताकि आप लोग को लिए कुछ अच्छा दिया जा सके। अब वो पहले ही आपको नहीं बताएंगे, उस वक्त ही बताएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, तारापिंड के बारे में याद रखेगा कि ये कैसा शासक था, एक क्रूर था। इसके बाद आते हैं एक तो शासक ललितादित्य, ललितादित्य, ललितादित्य,
ललितादित्य, ये इस वंश के काफी योग्य शासक थे। इसका नाम ललितादित्य इनका नाम था। तो ललितादित्य जो थे ये काफी योग्य शासक थे और इनका युद्ध हुआ था मध्य प्रदेश के एक चंदेल शासक थे जिसका नाम था यशोवर्मन। तो ललितादित्य योग्य शासक था, नो डाउट, इसमें कोई कमी नहीं थी, यह एक योग्य शासक था। दूसरा कि इसका एक चंदेल शासक कौन थे भैया? चंदेल शासक यशोवर्मन। चंदेल शासक यशोवर्मन से युद्ध हुआ। यशो लिखाओ ना भाई, यशोवर्मन। यशोवर्मन से युद्ध हुआ और इन्होंने यशोवर्मन को हरा दिया। हम आपसे पूछते हैं कि यशोवर्मन ने कौन सा मंदिर बनवाया था? खजुराहो का मंदिर। कूच देंगे मुड़िए तुंगा, खजुराहो का मंदिर बोलता है। खजुराहो में दो का मंदिर है, इसे बोलेगा खजुराहो का मंदिर। दोनों में से कौन सा मंदिर बनवाया था बताइए? अरे भैया वहां कंदरिया महादेव भी है और वहां एक चतुर्भुज भी मंदिर है। कौन सा मंदिर बनवाया? हाँ, चतुर्भुज मंदिर, विष्णु भगवान का चतुर्भुज मंदिर। ऐसे कंप्लीट बताइएगा ना, विष्णु भगवान का पुजारी था तो ढंग था ना अलग अलग। विष्णु भगवान का मंदिर का नाम क्या था? चतुर्भुज मंदिर। हम यहाँ चतुर्भुज बना दे रहे हैं, लिखने का जगह नहीं। चतुर्भुज मंदिर बनवाया था। इस वंश का अगला लास्ट शासक था जय सिंह। देखिए जय का मतलब क्या होता है? जीत जाना। तो देखिए इसमें ना ज्यादातर में पिंड थे, इसका तारापिंड, ललितादित्य तारापिंड, इसका नाम जयपिंड। जय सिंह नहीं, जय सिंह थे चंदेल, वहां थे सब चौहान। जयपिंड, तो जयपिंड के समय क्या हुआ? यह लास्ट शासक हुआ। इसके बाद यह वंश धीरे धीरे कमजोर हो गया। जयपिंड, जैसे तो मतलब था जीत जाना, लेकिन जीता नहीं था, ये एकदम लास्ट साबित हुआ। तो कारकेट वंश में इतने मुख्य रूप से चार राजाओं का नाम याद रखना है। दुर्लभ वर्धन भैनसांग आया, चार बार बोलिएगा याद हो जाएगा आराम से। इसमें ये आपको अक्सर पूछ देता है सबसे क्रूर शासक, दो शासकों के नाम बताएं जो क्रूर शासक थे। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? याद हो जाएगा, पूछे। इस वंश में कुल कितने शासकों के नाम बाबू आपको याद रखने हैं? चार शासकों के नाम याद रखने हैं। दुर्लभ वर्धन इस वंश का संस्थापक थे, जिसके दरबार में ह्वेनसांग आए थे। इस वंश का सबसे क्रूर शासक कौन था? तारापिंड था। इस वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? ललितादित्य। कौन था? ललितादित्य। ललितादित्य काफी योग्य शासक था। इसने चंदेल शासक किसे हराया था? यशोवर्मन को। यशोवर्मन ने कौन सा मंदिर बनवाया था? चतुर्भुज मंदिर। इस वंश का आखिरी शासक कौन था? जयपिंड। इस वंश का आखिरी शासक जयपिंड। इस वंश का आखिरी शासक जयपिंड। उत्पल वंश में तो कुछ है ये नहीं, एगो राजा रहेगा एगो रानी, बस खत्म हो गई कहानी। इसमें उत्पल वंश में कुछ नहीं, एगो राजा एगो रानी, खत्म हो गई कहानी। लोहार वंश थोड़ा काम लायक रहेगा क्योंकि राज तरंगनी वगैरह से। इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, कौन सा वंश? उत्पल वंश। इस वंश के बाद हम चलते हैं किस वंश के बारे में? उत्पल। उत्पल वंश, उत्पल वंश। भाई उत्कल किसे कहा जाता है ये बताइए? तो उत्कल किसे कहते हैं? हम यहां तो उत्पल लिखे, उत्पल किसे कहते हैं? उत्पल बताइए। उत्पल उड़ीसा का नाम, पूरा नाम था उड़ीसा। उड़ीसा का कलिंग या उत्पल इसका पुराना नाम था। तो हमारे राष्ट्रगान में भी है ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्पल बंगा, तो वो उड़ीसा का नाम था। इस वंश के संस्थापक का नाम था अवंती वर्मन। इन्हें नहर निर्माण में बहुत ही ज्यादा रुचि थी, मतलब इंटरेस्ट था, तो इन्होंने अपने नाम पर अवंती नहर बनाया। नहर का नाम क्या रखवाया भैया? अवंती नहर। तो इन्होंने नहर का निर्माण कराया था। अवंती नहर का निर्माण उत्पल वंश के काल में कश्मीर में किया गया था। इस वंश में एक महारानी बहुत ही प्रसिद्ध थी, जिस महारानी का नाम था महारानी विद्या। तो इसके दरबार में सबसे ज्यादा प्रभाव था, सबसे प्रभावशाली कौन थी? महारानी थी। प्रभावशाली कौन थी भैया? महारानी थी। महारानी
विद्या। इसके दरबार में भाई इनके समय सबसे ज्यादा प्रभाव किसका चल रहा था? महारानी विद्या का प्रभाव चल रहा था। तो जैसे आप बाहुबली मूवी देखिए, तो बाहुबली मूवी में सबसे ज्यादा प्रभाव आपको किसको देखने को मिलेगा? तबड़ का टिकवा लगाती है महिला, क्या नाम रहता है उसका, शिवगामी देवी। शिवगामी देवी का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता। तो उसी तरह से यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव महारानी विद्या का था। तो महारानी विद्या जो थी ठीक ठाक शासन चला रही थी। जैसे शुरू शुरू में सब माहिष्मती को भी देव ये शिवकामी देवी ठीक ही ले जा रही थी, बाद में गड़बड़ हो गया। इनके जब मृत्यु हुआ, इनका मृत्यु हुआ, तो इसके मृत्यु के बाद ये जो उत्पल वंश आया, उत्पल वंश का पूरा बागडोर संभालने के लिए संग्राम राज को दे दिया गया। संग्राम राज इसका पूरा, इनकी जब मृत्यु हुई तो इसका पूरा बागडोर कौन संभाला? संग्राम राज। संग्राम राज, संग्राम राज ने पूरा बागडोर संभाल लिया। उत्पल वंश के संस्थापक, तो उत्पल वंश के संस्थापक थे अवंती वर्मन। इन्होंने कौन सा नहर बनवाया? तो अवंती नामक नहर बनवाया। कौन सा नहर? अवंती नहर का निर्माण कराया था। उसके बाद आप देखेंगे इस वंश में सबसे प्रभावशाली महारानी विद्या थी, जिनके मृत्यु के बाद इस वंश का बागडोर किसके हाथ में चलाया? संग्राम राज के हाथ में चलाया। लेकिन भाई साहब, संग्राम राज ने ही इसका बगावत कर डाला और संग्राम राज ही ने एक नया वंश, लोहार वंश की स्थापना कर डाली। तो संग्राम राज जो है, ये दोनों के बीच में ट्रांजिशन हो जाएगा। जैसे कि उत्पल वंश का अंतिम बागडोर किसको दिया गया था? संग्राम राज को दिया गया था। लेकिन संग्राम राज ने कौन से वंश की स्थापना कर दी? लोहार वंश की स्थापना कर दिया। कौन से वंश की? लोहार वंश। लोहार वंश, तो यहां तो पहले आपको पता चल गया कि इस वंश के संस्थापक कौन होने वाले हैं भैया। इस वंश के संस्थापक हो जाएंगे संग्राम राज। संग्राम राज, देखिए ये छोटे छोटे वंश हैं, इसके बारे में आपको छोटी छोटी जानकारियां रखनी है। सर बायोलॉजी का क्लास 11 बजे होगा? चलिए, नोटिफिकेशन दिए हुए हैं 11 बजे का, लेकिन आप लोग में किसी किसी के मोबाइल में नोटिफिकेशन में बंद रहता है, कोई भी नहीं करता नोटिफिकेशन देने के बाद। नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल में तो आया। चलो भाई देखो, इस वंश के संस्थापक कौन थे? संग्राम राज। इस वंश का अगला शासक था हर्ष। हर्ष इस वंश का अगला शासक था। भैया ये कि योग्य शासक थे। कैसा थे? योग्य शासक थे। लेकिन इनके समय क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ने के कारण, और इन्होंने कुछ खास अच्छा काम नहीं किया, तो इनका शासन नीरो से किया गया। नीरो से तुलना किया गया। इनकी तुलना किससे किया गया? उपाधि, उपाधि नीरो की उपाधि दिया गया। कितने लोग बता सकते हैं नीरो कहां का शासक था? नीरो, कुछ आइडिया दीजिए। हम तो बताएंगे ही, लेकिन आप बताएंगे तो थोड़ा सा पता चलता है कि आगे क्या था। ये योग्य शासक थे, नो डाउट। इनके समय में भीषण अकाल पड़ा था। अब इतने योग्य थे, आप ऐसे लगे ना कि जो कल्हण नामक व्यक्ति थे, कल्हण इन्हीं के दरबार में रहते थे। कल्हण कवि, कवि थे कल्हण। कल्हण नामक विद्वान इन्हीं के दरबार में रहते थे, जिनकी पुस्तक राज तरंगिणी से पूरे कश्मीर की जानकारी मिलती। नीरो कहां का शासक था? एक कहावत भी कहते हैं, रोम जल रहा था और नीरो हंस को दाने खिला रहा था। रोम जल रहा था, नीरो हंस को दाने खिला रहा था। मतलब नीरो ऐसा शासक था, उसका साम्राज्य जल गया होगा, पता नहीं चला। मतलब उसको कोई मतलब नहीं, हमारा साम्राज्य जल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ऐसा इससे कोई बहस नहीं था। तो इसलिए इसके अकाल पड़ा था, इसकी उपाधि किसकी दी गई? इसे उपाधि दी गई नीरो की। इसके दरबार में कौन कवि रहते थे? कल्हण रहते थे। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है भैया? राज तरंगिणी पुस्तक का नाम है। पुस्तक का नाम क्या है? राज तरंगिणी। लेकिन राज तरंगिणी इनकी पुस्तक एक बार में कंप्लीट नहीं हुई। अब आपको पूरे कश्मीर का इतिहास लिखना है तो धीरे 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 जानकारी लिखेंगे। उस समय ना यूट्यूब था, ना उस समय एप्लीकेशन था, ना ही कोई गूगल था जो धड़ाक से खोज के लिख ले, तो काफी समय लगा। तो हर्ष के बाद इस वंश का जो अगला शासक आया, जय सिंह। कौन आया? जय सिंह। जय सिंह के दरबार में इस जो कल्हण की जो पुस्तक है, जिसका नाम क्या है भैया? राज तरंगिणी।
राजतरंगिणी, राजतरंगिणी को क्या कर दिया गया भैया, उस समय कंप्लीट कर दिया गया। राजतरंगिणी पुस्तक की रचना किसके समय स्टार्ट हुई थी, हर्ष के समय, कंप्लीट किसके हुआ, जय सिंह के समय में। राजतरंगिणी को लिखने वाले कौन थे भैया, तो राजतरंगिणी को लिखा किसने था भैया, आपके कल्हण ने। कल्हण किसके दरबार में थे, तो कल्हण दरबार में थे आपके हर्ष के। कंप्लीट कब किया गया, तो जय सिंह के दरबार में जब ये थे तो कंप्लीट किया गया। जय सिंह जो थे इस वंश के एक तरह से कहिए तो लास्ट ही शासक थे, क्योंकि इसके बाद यहां पर तुर्कों का आक्रमण होने लगा, यवन आक्रमण होने लगा इस कश्मीर के ऊपर। तो इसके बाद किसका आक्रमण होने लगा, तुर्कों का आक्रमण होने लगा, यानी यवन आक्रमण हो गया इनके बाद। और यवन आक्रमण जब हुआ, यवन आक्रमण हुआ, यमन आक्रमण के बाद इस पर किसका शासन हो गया, तुर्क का शासन हो गया। कश्मीर पर किसका शासन हो गया, यमन का। जब आक्रमण हुआ तो यमन आक्रमण जब हुआ, आक्रमण भारत में तो दुनिया भर के आक्रमण हो गए, यमन आक्रमण के बाद यहाँ पर शासन किसका हो गया, तुर्क शासक आ गए। यमन आक्रमण के बाद यहाँ तुर्क शासक आ गए और इन तुर्क शासकों ने ही यहाँ पर शासन किया। लेकिन आप देखिए हर जगह कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ खराब लोग मिलेंगे। तो इन तुर्क शासकों में एक बहुत ही योग्य और थोड़ा सा दयालु किस्म का व्यक्ति था, जो धर्मों इत्यादि में भेदभाव नहीं करता था। उसका नाम था जैनुल आबेदीन। क्या नाम था, जैनुल आबेदीन, जैन उल आबेदीन, जैनुल आबेदीन, जैनुल आबेदीन। तुर्कों में सबसे योग्य शासक कौन था, जैनुल आबेदीन। इन्हें कश्मीर का अकबर कहते हैं, इन्हें कश्मीर का क्या कहा जाता है, अकबर कहा जाता है। यह क्वेश्चन दसियों बार पूछ चुका है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, कश्मीर का अकबर, अकबर किसे कहा जाता है। हो गया, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, जैनुल आबेदीन। ये बात हमेशा याद रखना है, ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए, जैनुल आबेदीन। कश्मीर का अकबर जैनुल आबेदीन। कश्मीर की जानकारी किस किताब से मिलती है, तो कश्मीर की जानकारी मिलती है आपकी राजतरंगिणी से। आगे थोड़ा इधर आते हैं, चलिए ध्यान से देखिए, उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे, यहां से एक बार देखिए फिर इसको मिटा के पूछेंगे। उत्पल वंश के संस्थापक थे अवंती वर्मन, उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन। उत्पल वंश के समय पे सारा बागडोर किसके पास था, तो महारानी विद्या के पास। लेकिन महारानी विद्या की मृत्यु के बाद सारा बागडोर किसके पास आ गया, संग्राम राज। क्या संग्राम राज एक ईमानदार शासक था, नहीं, वह एक ईमानदार शासक नहीं था। संग्राम राज ने उत्पल वंश का अंत कर डाला और साम्राज्य, संग्राम राज ने ही लोहार वंश की स्थापना किया। लोहार वंश में सबसे योग्य शासक था हर्ष, हर्ष एक योग्य शासक था। इनके दरबार में कल्हण नामक विद्वान रहते थे, लेकिन हर्ष के समय अकाल पड़ा और इसने कुछ अच्छा रेस्पॉन्स नहीं किया, इसलिए इसकी तुलना रोम के शासक नीरु से किया गया। इस वंश का अगला शासक था जय सिंह। जय सिंह के समय कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी कंप्लीट हो जाती है, किंतु जय सिंह के समय यवन आक्रमण हो जाता है और कश्मीर पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। और तीन तुर्क शासकों में सबसे योग्य शासक था जैनुल आबेदीन, जैनुल आबेदीन, जैनुल आबेदीन। जैनुल आबेदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ऐसे ही आपको मिलेगा दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को। समझ आ गया, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी नहीं, उसको तो सिकंदर कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी बोल दिए, उसको द्वितीय सिकंदर बोला जाता है अकबर ने। आगे बढ़े, कश्मीर का इतिहास समझ में आ गया। कश्मीर में सबसे पहले कौन सा वंश पढ़ेंगे, कारकेट वंश। संस्थापक बोलिए तो दुर्लभ वर्धन। इनके दरबार में कौन आया,
वेन सांग इस वंश का सबसे क्रूर शासक, तो इस वंश के क्रूर शासक में आएंगे तारापिंड। इस वंश का सबसे योग्य शासक तो ललितादित्य योग्य शासक थे, लेकिन इन्होंने किसे हरा दिया? चंदेल शासक यशोवर्मन को। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? जयपिंड। जयपिंड इस वंश का अंतिम शासक थे। अब आते हैं राजपूत काल। कौन सा काल भैया? राजपूत काल। यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका कुछ ज्यादा ही, इसलिए बी सीरियस यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हर वंश इसके बाद से एक दूसरे से कनेक्टेड मिलेंगे। इससे पहले तो था कि थोड़ा थोड़ा छूट छूट जाता था। चलिए देखिए, राजपूत काल, राजपूत काल इसे हम लोग कहते हैं पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल। भाई ये बेसिकली चालू हुआ था 800 से लेके 1200 सन। अब ये नहीं कि ये कोई मतलब वो थोड़ी है कि प्रोग्राम थोड़ी चालू हो रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसी के बीच में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। कौन से काल से? राजपूत काल से नाम से जाना जाता है। सब होगा भाई, राजपूत काल के नाम से जानते हैं। इस राजपूत काल में दो मतलब कहानियां हैं, एक को ऐतिहासिक मान्यता प्राप्त है, दूसरे को ऐतिहासिक मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐतिहासिक मान्यता देखिए, पृथ्वीराज चौहान के वंश में एक एक कवि थे जिनका नाम था चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने एक पुस्तक लिखी पृथ्वीराज रासो, उसमें लिखे कि माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ के जो अग्नि कुंड बनाया गया उस अग्नि कुंड से चार वंश निकले। तो इसको मतलब कोई ऑथेंटिक मान्यता तो है नहीं भाई, अब आप खुद सोचिए कि अगर हवन होगा उसमें से वंश कहां से निकल जाएंगे। हाँ ये आप भले कह सकते हैं कि उस हवन में चारों वंशों ने भाग लिया था। तो अग्नि कुंड का सिद्धांत इनके बारे में बहुत प्रसिद्ध है कि इनका निर्माण अग्नि के कुंड से हुआ है, जैसे जिसमें चौहान वंश आते हैं, परमार वंश आते हैं, ये सब वंश आते हैं, जिसमें प्रतिहार वंश भी आते हैं, प्रतिहार, परमार, चौहान, ये वंश वगैरह ज्यादातर आते हैं राजपूत काल में। तो राजपूत काल में कई प्रसिद्ध है, एक सिद्धांत है अग्नि कुंड का सिद्धांत, अग्नि कुंड का सिद्धांत। हालांकि इसे ऐतिहासिक प्रमाणता नहीं है, अग्नि कुंड सिद्धांत। इसमें से कहा गया कि कुल चार वंश इसमें भाग लिए थे। कुल कितने वंश थे? चार वंश थे अग्निकुंड के सिद्धांत से। अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया है? अग्निकुंड का सिद्धांत चंद्रवरदाई ने दिया। तो चार वंश से पहले यहां लिख देते चंद्रवरदाई। इन्होंने चार वंश की बात किया, जिसमें एक वंश हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। चार वंश में एक आपको प्रतिहार वंश पढ़ा दिए, प्रतिहार वंश गुजरात का, प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश, यहां एक दूसरा चालुक्य आएगा, इसे सोलंकी भी कहेंगे, और एक चौहान वंश। इसमें हम आपको गुर्जर प्रतिहार पढ़ा दिए। अग्निकुंड का सिद्धांत क्या कहता है? अग्निकुंड के सिद्धांत के हिसाब से माउंट आबू की पहाड़ियों पर, अब जैसे गुजरात है, गुजरात के यहाँ पर माउंट आबू पहाड़ है राजस्थान में, तो माउंट आबू पहाड़ी पर हवन कुंड से चार चार राजवंशों का उदय हुआ। एक और इधर परमार वंश चला गया, इस समय में प्रतिहार वंश आ गया, यहाँ पर आपका चौहान वंश आ गया राजस्थान में, और गुजरात के पास यहाँ पर चालुक्य वंश, सोलंकी वंश भी आ गया। अक्सर आपने नाम सुना होगा सोलंकी वगैरह नाम से, सोलंकी ये, सोलंकी वो, सोलंकी एक टाइटल भी होता है, सोलंकी परमार भी टाइटल होता है, चौहान तो भाई पृथ्वीराज चौहान तो बहुत फेमस थे। प्रतिहार के बारे में हम आपको पढ़ा दिए, इसमें हम आपको पढ़ा दिए हैं प्रतिहार वंश के बारे में। यानी राजपूत काल में आपको सबसे फेमस पढ़ना है आपको चौहान वंश। जैसे चौहान वंश पढ़ेंगे आपको शुरू हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। चौहान वंश खत्म होगा पृथ्वीराज चौहान के बाद क्या शुरू हो जाएंगे? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में पांच वंश आएंगे, दिल्ली सल्तनत का अंत कर देगा मुगल सल्तनत, और मुगल सल्तनत का अंत कर देंगे ब्रिटिश।
ब्रिटिश, आप ब्रिटिश का अंत कर देंगे हमारे स्वतंत्रता सेनानी। बस ये तीन चीज आपको पढ़ना है। चौहान वंश के बाद दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का अंत करेगा मुगल सल्तनत, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था वंश था लोदी वंश, और इब्राहिम लोदी को बाबर यहाँ पे हरा देगा, और इब्राहिम लोदी के बाद मुगल वंश आ जाएगा, मुगल वंश को ब्रिटिश हरा देंगे, ब्रिटिशर्स को हमारे स्वतंत्रता सेनानी हरा देंगे। इसका मतलब आपको इतिहास में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा झांकने ताकने को मिल रहा है कि हम कहाँ कहाँ तक आ रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, तनी से तो पूछले दिल्ली मुगल ब्रिटिश, अब ब्रिटिश के बाद तो ऐसा लगता है कि यही क्या है, ये परमार वंश देखते हैं। भैया किसी को प्रतिहार वंश बढ़ाना पड़ेगा क्या? प्रतिहार वंश के संस्थापक बताइए, हम नहीं बताएंगे आपको। प्रतिहार वंश के संस्थापक आप बताइए, प्रतिहार वंश के संस्थापक। इसे गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है यार, क्या बताएं हम आपको। प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट, वेरी गुड। प्रतिहार वंश वालों ने कहां पर अधिकार कर लिया? तो कन्नौज पर। अपनी राजधानी किसे बनाई थी? कन्नौज को। अपनी राजधानी किसे बनाई थी? कन्नौज को बनाई थी इन्होंने। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, किसे भाग लिया? त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्होंने भाग लिया था। अब हम देखते हैं परमार वंश के बारे में, कौन सा वंश के बारे में, परमार वंश स्टार्ट करते हैं। राजपूत काल में पहला वंश जो हो गया प्रतिहार, जिसे गुर्जर प्रतिहार कहते हैं, प्रतिहार। तो हमें पहला को नहीं बता दिए, दूसरा इस वंश स्टार्ट करते हैं, परमार वंश। परमार वंश पहले, सबसे पहले इसका लोकेशन पूछ देगा, तो इसका लोकेशन था मालवा, यानी मध्य प्रदेश का एरिया था मालवा। इसके बाद इनके संस्थापक, तो संस्थापक में आएंगे उपेंद्र, संस्थापक उपेंद्र, लेकिन योग्य बहुत ज्यादा नहीं थे इस वंश के सबसे ज्यादा। देखिए जब भी नाम होगा तो योग्य शासक का ही नाम होगा, और योग्य शासक में उपेंद्र थे, ये बहुत संस्थापक थे, लेकिन जो योग्य शासक रहेंगे उनका नाम था राजा भोज। इस वंश के शासक में राजा भोज, एक कहानी सुने कहां राजा भोज है कहां गंगू तेली, तो राजा भोज थे, राजा भोज, राजा भोज जो काफी योग्य थे, बहुत ही योग्य शासक थे। इन्होंने अपनी इस राजधानी धारा नगरी को बनाया, धारा नगरी को बनाया, धारा नगरी। धारा नगरी जो थी संस्कृत का उस समय सबसे बड़ा केंद्र था, संस्कृत का। और यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन मंदिर बनाई गई, सरस्वती मंदिर, सरस्वती मंदिर। सरस्वती मंदिर बनाया गया, सरस्वती मंदिर, ये इस वंश में सबसे फेमस शासक थे। तो परमार वंश के संस्थापक, परमार वंश कहां पर था? तो भैया परमार वंश मध्य प्रदेश के एरिया में था। परमार वंश यहां मध्य प्रदेश के एरिया में था। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र, परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र, वंश के संस्थापक उपेंद्र, परमार वंश का सबसे योग्य शासक, तो परमार वंश के सबसे योग्य शासक थे राजा भोज। परमार वंश के सबसे योग्य शासक राजा भोज, राजा भोज, इसके सबसे योग्य शासक राजा भोज। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? धारा नगरी को बनाया। धारा नगरी किसके लिए प्रसिद्ध है? संस्कृत के लिए। यहाँ कौन सा मंदिर बनाया था इन्होंने? सरस्वती मंदिर, बहुत फेमस है। धीरे धीरे इसे भी किसने मिला लिया? दिल्ली सल्तनत ने अपने राज्य में मिला लिया, दिल्ली सल्तनत ने अपने राज्य में मिला लिया, धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। राजपूत काल में दो वंश आपको समझ में आ गया, पहला जो आपको प्रतिहार पढ़ा दिए थे जो त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान था, और ये दूसरा आपको पढ़ा दिए धारा नगरी। हो गया क्या? हो गया भाई, प्रीवियस क्लास से चलिए ध्यान दीजिए यहां पर, आगे बढ़े। अब हमें कौन सा वंश पढ़ना है? चालुक्य वंश। अब गुजरात का चालुक्य वंश, टोटल आपको चालुक्य वंश चार ठो पढ़ने हैं, एक चालुक्य वातापी, चालुक्य बादामी, चालुक्य बेंगी,
यहाँ तीन तो पढ़ा दिए थे चालुक्य, अब ये गुजरात का चालुक्य वंश, तो गुजरात का चालुक्य वंश और राजस्थान का चौहान वंश, राजस्थान के चौहान वंश, इसके बारे में अब हम आपको कल क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। एप्लीकेशन पे थोड़ा सा वर्क हो रहा है, एप्लीकेशन पे थोड़ा वर्क हो रहा है, तो आप लोग को, आप लोग के लिए कुछ उसमें और फीचर ऐड किए जा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा एप्लीकेशन से कुछ कुछ सिस्टम को थोड़ा सा हटाया गया है। एक दो दिन में वर्क कंप्लीट हो जाएगा, अप्रोक्स कल कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको जो भी स्पीड क्वालिटी का ऑप्शन आ रहा था हट गया था, वो फिर से आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल क्लास करेंगे।